हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्रता। दोस्तों, कभी भी मोस्ट सुपर हिट सॉन्ग्स की बात की जाएगी ना, तो हरे राम हरे कृष्णा ना टॉप के ऊपर आएगा ही आएगा। और एक सॉन्ग की ताकत क्या होती है ना, वो इस फिल्म वालों को पता है। उन्होंने थर्ड फ्रेंचाइजी है और इसको छोड़ नहीं रहे हैं, और जब जब इसको लेकर आते हैं भाई, ग्रैंड 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 लेवल के ऊपर शूट करते हैं। और इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। इससे क्या हुआ है, फिल्म की हाइप बढ़ेगी। बॉल छक्के बाउंड्री के पार नहीं जाएगी, सीधा के सीधा जाने वाली है भाई ग्राउंड के पार। पिटबुल, दिलजीत, तनिष बागची, नीरज श्रीधर और इन सबको कंपोज कर कर कौन कर रहे हैं, प्रीतम दा। मैं सच बता रहा हूं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर और साथ साथ जिस लेवल के ऊपर शूट किया गया है सॉन्ग को, वो सुनकर ही मजा आ जाता है। इंस्टेंट चार्ट बस्टर किसी चीज को अगर कहते हैं, तो ये सॉन्ग उसका जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि इस सॉन्ग की ना अलग से ही कल्ट फैन बेस है, और वो सारा का सारा फैन बेस और आज की जो न्यू जनरेशन है वो भी जुड़ने वाली है। क्योंकि बहुत बड़े अमेरिकन रैपर पिटबुल को लेकर आ चुके हैं, और भाई साहब दिलजीत जो हार्ट थ्रॉप है यंगस्ट जनरेशन के, वो आ चुके हैं। और भाई साहब नीरज श्रीधर और भाई प्रीतम दा का तो आपको पता ही है, जब इतने भाई साहब गुणी कलाकार उनको मिलेंगे तो वो भी इस मौके को छोड़ने नहीं वाले। और साथ साथ जो कार्तिक आर्यन धूम मचा रहे हैं भाई स्टेज के ऊपर, उन्होंने तो फाड़ी डाला। और वो जो मूव कर रहे हैं ना, कसम से कह रहा हूँ, देखकर मजा आ जाता है। और गाना सुनकर जो कानों को सुकून मिलता है ना, वो अलग ही लेवल के ऊपर जाता है। बहुत टाइम बाद कोई ऐसा सॉन्ग आया है जो मैं कह रहा हूँ भाई साहब ट्रेंड करने वाला है डे वन से ही। और ये सॉन्ग भूल भुलैया 3 वालों की सबसे बड़ी एसेट होने वाली है, क्योंकि इस सॉन्ग को सुनकर ही पब्लिक थिएटर में भागेगी। मैंने जैसे पहले बोला है फिर बोलूंगा, कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जो भाई साहब 2-4 महीने चलते हैं, कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जो भाई साहब डिकेड डिकेड तक ट्रेंड करते हैं, और ये वही सॉन्ग है। इस सॉन्ग के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, और इस बार भी मेकर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है इस सॉन्ग को सुपर दुपर हिट बनाने के लिए। प्रीतम दा का म्यूजिक, लिरिक्स एंड कार्तिक के जो मूव हैं, उनको जो कोरियोग्राफ किया गया है, वो बहुत बढ़िया लग रहा है। और भाई टी सीरीज ने पैसा दबाकर खर्च किया गया है, लाइटिंग का काम देख लो, सेट देख लो, हर एक चीज भाई सब रिच फील देती है। और ये सॉन्ग सच बता रहा हूँ छाने वाला है, मुझे पसंद आया। आप बताओ आपको कैसा लगा, और नॉस्टैल्जिया फैक्टर आया या नहीं आया वो जरूर बताना, मजा आ गया। इससे भीड़ लगेगी थिएटर के अंदर, और ये भूल भुलैया 3 वालों ने बहुत अच्छा मूव खेला है। आप बताओ आप कितने सेट सहमत हो मेरी बातों से, जरूर बताना कमेंट में कमेंट करके। वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।